मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज, जहां एक तरफ पूरे ही देश भर में महाराष्ट्र की राजनीति चर्चा का विषय बनी हुई है। बीते कई महीनों से महाराष्ट्र की सियासत में कई बड़े मोड़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है। एक तरफ है शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे का गुट और दूसरी ही तरफ है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुट। दोनों ही गुटों में इस वक्त शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर जंग छिड़ी हुई है, लेकिन इस जंग के बीच अलग अलग राज्यों में भी काफी ज्यादा सियासत देखने को मिल रही है। बात की जाए बिहार की राजनीति के बारे में, बिहार में भी इस वक्त काफी ज्यादा सियासत तेज है और ऐसे में देखा जाए बीजेपी को यहाँ पर बेहद बड़ा झटका लगा है, जब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर अब लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ महागठबंधन करने का फैसला कर लिया है। ऐसे में देखा जाए नीतीश कुमार को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार अब वह कौन सा पद पर किस तरीके से जिम्मेदारी संभालते हुए देखे जाएंगे। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से तमाम खबरें सामने आ रही हैं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। जी हां, जेडीयू और आरजेडी के महागठबंधन के बाद अब बिहार की राजनीति में और भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बात की जाए यहाँ पर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के बारे में, तेजस्वी यादव जिन्होंने पहले से ही मास्टर प्लान बनाकर रखा कि वह गृह मंत्रालय अपने पास चाहते हैं और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर ये बात भी रखी है कि वह डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं। ऐसे में देखा जाए नीतीश कुमार जो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने को जा रहे हैं, बीते कल तकरीबन शाम 4 बजे राज्यपाल को उन्होंने बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। लेकिन अब देखा जाए आज वह मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं। बिहार की राजनीति में अब कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसी बीच एक बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है, दावा ये किया जा रहा है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नहीं बल्कि उनकी पत्नी बन सकती है। जी हाँ, उनकी पत्नी राजश्री को लेकर अब चर्चाएं होने लगी हैं। आपको बताते हैं कि क्या कुछ अपडेट आया है इस पर, जरा देखिए ये रिपोर्ट। बिहार की राजनीति इस वक्त पूरे ही देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट चुका है और अब बिहार में 5 साल बाद फिर से महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जी हां, आपको बता दें राजद कांग्रेस सहित 7 पार्टियों के सहयोग से आज राजभवन में नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। वहीं दावा ये किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। जी हां, आपको बता दें जहां एक तरफ डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं तेजस्वी यादव, लेकिन दूसरी ही तरफ दावा किया जा रहा है उनकी पत्नी राजश्री को लेकर भी। जी हां, आपको बता दें राजद प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बहू राजश्री को लेकर दावा किया जा रहा है डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि इसकी वजह बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव सहित परिवार के कई लोगों पर लगा घोटालों का दाग है और ऐसे में इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी ने जोर शोर से उठाया था और नीतीश कुमार को लालू परिवार का साथ छोड़ना पड़ा था। आपको बता दें राजश्री पर कोई भी आरोप नहीं है, इसी वजह से लालू यादव के परिवार में उनके नाम की चर्चा जोरों शोरों से हो रिपीट इसी वजह से लालू प्रसाद यादव की बहू की नाम की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। अंदरूनी सूत्रों की माने तो सूत्रों के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि उनकी छोटी बहू को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है और इस मुद्दे पर लालू यादव का परिवार और राजद के कुछ खास बड़े नेताओं के बीच बड़े स्तर पर चर्चा भी हुई है। फिलहाल देखा जाए तो इस बात पर हामी भरे जाने की संभावना भी जताई जा रही है। राजद की तरफ से इस बात को लेकर अभी आधिकारिक कोई भी बयान नहीं आया है, लेकिन यहां पर देखा जाए तो डिप्टी सीएम बदलने को लेकर अब कई फैसले भी लिए जा सकते हैं।
आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के कई सदस्य घोटाले के मामले में फंसे हुए हैं और लालू प्रसाद यादव पहले से ही चारा घोटाला का केस झेल रहे हैं और इसके बाद यहां पर उनके ऊपर रेलवे में जमीन लेकर नौकरी देने का मामला भी अलग से दर्ज है और इस केस में उनकी पत्नी राबड़ी यादव और उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती भी नामजद है। ऐसे में इस मामले में लगातार रेलवे वाले केस में सीबीआई की टीम ने हाल ही में छापेमारी की थी मई के महीने में। और इसके अलावा आपको बता दें सीबीआई के पास रेलवे होटल्स के टेंडर को लेकर भी एक केस दर्ज है। इस केस में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी यादव और बेटे तेजस्वी यादव का नाम भी दर्ज है। ईडी ने भी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस दर्ज कर रखा है और इस तरीके से देखा जाए आशंकाएं अब जताई जा रही है उनकी बहू को लेकर। राश्री के नाम को आगे किया गया है क्योंकि इनकी छवि पूरी तरीके से बेदाग बताई जा रही है और उन पर कोई भी केस दर्ज नहीं है। इसी वजह से दावा किया जा रहा है कि उनकी बहू राश्री को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। आज सभी ने देखा जाना किस तरीके से बिहार की राजनीति में अब सियासत और भी तेज होती हुई दिखाई दे सकती है। तेजस्वी यादव अगर डिप्टी सीएम नहीं बनते हैं तो आखिरकार उनके बाद डिप्टी सीएम के पद पर कौन सा नेता देखा जा सकता है। फिलहाल देखा जाए उनकी पत्नी को लेकर इस वक्त तमाम खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन वक्त के साथ ही पता चलेगा आखिरकार डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण कौन करने वाला है। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।